में इम्तनाई अहकाम दफ़ा 144 जो 26 मार्च तक नाफिस था, लेकिन कल रात मजीद अहकाम जारी करते हुए इस इम्तनाई अहकाम में मजीद 4 दिन की तोसी कर दी गई। कल शाम तहसीलदार भैंसा बी विशंबर ने एक प्रेस नोट जारी करते हुए इम्तनाई अहकाम दफ़ा 144 को 26 मार्च से मजीद तोसी करते हुए 30 मार्च तक नाफिज रहने का अहकाम जारी कर दिया, जिसके साथ ही महसा में दफा 144 को 30 मार्च तक नाफिज कर दिया गया। जिला कलेक्टर निर्मल मुशरफ अली फारूकी की हिदायत पर आज कुबीर दफ्तर तहसील में मौसम गर्मा के पेश नज़र ठंडे पानी की फराहमी का आगाज किया। इस मौके पर तहसीलदार कुबीर प्रभाकर ने ठंडे पीने के पानी का दफ्तर में इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर महकमा माल के दीगर अहदेदारान और मुलाजिमीन की कसीर तादाद मौजूद थी। तानूर में मुनाकिदा आंगनवाड़ी सेंटर में एक प्रोग्राम को मुखातिब करते हुए अहदेदारान ने कहा कि हुकूमत पोषण अभियान के तहत खवातीन की सेहत के मुतालिक हर मुमकिन इकदाम करते हुए इन्हें तगजिया बख्श गजाएँ फराम कर रही है और हामिला खवातीन के लिए खसूसी तवज्जो मरकूज करते हुए इनकी सेहत यानी जच्चा बच्चे की तंदुरुस्ती को मद्देनजर रखते हुए इन्हें बेहतरीन गजाओं पर मुश्तमिल गजा फराम की जा रही है। इस जमन में मौजात में शऊर बेदारी लाते हुए हुकूमत की स्कीम से मुस्तफीद करवाया जाना जरूरी है। मन महिला कोसमें तक प्रती ने बरगना प्रोत्साह पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र से शराब को बरामद करते हुए महसा शहर के मुआवजात में मुंतकली करने की कोशिश को आज अहदेदारान ने नाकाम बना दिया। इसके अलावा गैरकानूनी तौर पर रेत की मुंतकली को भी पुलिस ने नाकाम बनाते हुए रेत से लदी लारी को जब्त कर लिया। सब इंस्पेक्टर कुबीर प्रभाकर रेड्डी के मुताबिक कुबीर के विवेकानंदा चौक पर एक लारी की तलाशी ली गई जिसमें रेत की गैरकानूनी मुंतकली की जा रही थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लारी को अपने कब्जे में ले लिया। इसके अलावा कुबीर एसआई बी प्रभाकर रेड्डी महकमा एक्साइज के अमले के साथ निगवा गांव के करीब नामालूम अफराद की तलाशी ली गई तो ये मोटरसाइकिल तेजी के साथ फरार होने की कोशिश की, लेकिन पुलिस और महकमा आबकारी के अहदेदारान ने इनका ताकुब करते हुए इन्हें पकड़ लिया।
और इनकी तलाशी ली गई तो इनके कब्जे से 4 देसी शराब के बॉक्सेस बरामद हुए, जिसको फौरी कब्जे में ले लिया गया। पोषण अभियान मुहिम के तहत तानूर में आज एक इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। इस इजलास में MPDO श्रीनिवास राव, MPO गंगाधर के अलावा दीगर मौजूद थे। इस मौके पर मुआजात में खवातीन में पोषण अभियान तक के तहत शौर बेदारी लाने के लिए प्रोग्राम्स को तरतीब दिया गया। हैदराबाद में होली की तकारीब के लिए कोई इजाजत नहीं दी गई है। रियासत में COVID-19 की सूरत हाल के सबब ये इजाजत नहीं दी गई है। पुलिस ने कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया। पुलिस ने शहर के गेटेड कम्युनिटीज, हॉस्टल्स के मालिकीन और यूनिट ऑर्गेनाइजर्स को नोटिस जारी करते हुए होली की तकारीब मुनाकिद ना करने की हिदायत दी है। पुलिस ने यह भी वाजे कर दिया कि मास्क का इस्तेमाल किया जाए और सामाजिक फासले को बरकरार रखा जाए। पुलिस ने राहगीरों और सड़कों पर रंग फेंकने के खिलाफ भी इंतबाह दिया है। रेपु एल्लुंडि होली मरियु होली रिलेटेड चाला चोट्ला सेलिब्रेशन्स उन्नायि, बट एक्कड कूडा होटल्स लो रिसार्ट्स लो पर्मिशन इव्वट्लेदु। ए ईवेंट कूडा होली रिलेटेड ईवेंट्स कि एक्कड कूडा पर्मिशन इव्वट्लेदु। ముఖ్యంగా కరోనా సెకండ్ వేవ్ స్ప్రెడ్ అవుతున్న ఉద్దేశంతో ప్రజలందరూ కూడా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. బయట హోలీ ఈవెంట్స్లో పార్టిసిపేట్ చేయడం కానీ లేకపోతే నీళ్ళలో కానీ దిగడం కానీ అటువంటివి చేస్తే మళ్ళీ కరోనా స్ప్రెడ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఇళ్లలోనే హోలీ జరుపుకోవాలని కోరుతున్నాము. పెట్రోలింగ్ చెక్ పోస్టులు పెడుతున్నాము. ముఖ్యంగా ఎవరైతే ఈ గైడ్లైన్స్ని విస్మరించి బయటకు వస్తారో వాళ్ళపైన కేసెస్ బుక్ చేయడం జరుగుతుంది. ఎవరైతే ఈ లేక్స్లో కానీ చెరువులో కానీ దిగుతారో వాళ్ళపైన కూడా కేసెస్ బుక్ చేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ప్రజలందరూ కూడా హోలీ ఇళ్లలోనే జరుపుకోవాలని కోరుతున్నాం. హైదరాబాద్ మే ఆజ్ కేసరా పోలీస్ నే కామయాబ్ కార్వాయి కర్తే హువే కాఫీ మిగ్దార్ మే బయో డీజిల్ కి గైర్ ఖానూనీ మున్తఖిలీ కో నాకామ్ బనాతే హువే 30,000 లీటర్ బయో డీజిల్ కో జబ్త్ కర్ లియా. ఇస్ జమన్ మే పోలీస్ అధికారాన్ నే బతాయా కి లక్నో కి ఏక్ కంపనీ సే యే బయో డీజిల్ కి దరామద్ కి జా రహీ థీ और पुलिस कार्रवाई करते हुए 30,000 लीटर बायो डीजल को जब्त कर लिया, जिसकी मालियत 20 लाख रुपए बताई गई। इस जिमन में पुलिस ने मजीद कार्रवाई का आगाज कर दिया। इस साइड में मैंने टोटल 3 लाख का हैदराबाद के पुराने शहर में कल रात मुहिम आचिज जदगी का वाकया पेश आया। बहादुरपुरा इलाके के 4 गोदावों में जबरदस्त आग भड़क उठी। इस हादसे में किसी भी तरह के जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली।
करीब 8 फायर इंजनों को तलब करके 8 फायर इंजनों ने कई घंटों की जिद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाने में कामयाबी हासिल की गई। हादसे की वजूहात का फौरी तौर पर पता नहीं चल सका। पुलिस और फायर ब्रिगेड के हुकाम मसरूफ तहकीकात है। लाखों रुपये मालियती नुकसान का अंदाज़ा लगाया जा रहा है। इसके अलावा आज सुबह में हैदराबाद के काटेधन इलाके में अचानक आग भड़क उठी और इस हादसे में भी काफ़ी माली नुकसान होने का अंदेशा लगाया जा रहा है। फेसबुक पे डाल देना। गल गया ना पाइप है ना पाइप गिर गया तभी तो मैं डाउन नहीं तीन है ये पकड़ेगा तो गल जाता है जल जाता है जल गया मेरे को तो लग रहा लगाए सुख है क्या यार ऐसा लगना नहीं है कुछ है ही नहीं यार कुछ भी नहीं अरे करंट से लगा होगा अरे करंट भी नहीं है ना यार ये सिंगल फेस का इधर साइड में है उसमें बड़ा काम थोड़ी होता है यार कोठी का काम मैं गया हूँ ना अंदर अपना सेट तो फोन लगा अपने फैक्ट्री के बाजू में आग लगे से तो बोलेगा मेरे को पूछे नहीं बोले नहीं आराम करना जरूरी आता है फोन नहीं उठा रहा है इसका है लहर मार रहा है यार वहाँ तक लहर आ रहा है उसमें आदमी पड़ेगा तो साला जल जाएगा दो मिनट नहीं लगेगा क्या कुछ में आदमी है क्या है क्या बंद है ना बना दे रहा हूँ व्हाट्सएप पे डाल देंगे अरे पहले बनाना चाहिए बना लिया पहले वाला भी इतना हार्ड लगा था ये चिली ले लेंगे होता
Thank you.